सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई ब्लॉग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो टाइटल देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। लास्ट दो ब्लॉग से मैं बता रहा था कि मैं जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, वो मैंने फाइनल नहीं किया था, मगर अब तक मतलब अभी मैंने फाइनल कर लिया है। आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं निकल चुका हूँ और तब तक मैं शायद अपने डेस्टिनेशन के आसपास में पहुँच भी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा जो ये सीरीज़ का ब्लॉग रहेगा, जितना भी ब्लॉग्स रहेगा, सारा ब्लॉग जो है हर एक हफ्ते में, हर एक संडे सुबह 9 बजे के आसपास मैंने अपना मतलब दिमाग पे सेटिंग रखा है कि एवरी संडे सुबह 9 बजे मेरा हर एक सीरीज़ का ब्लॉग आता रहेगा। एंड आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि अक्टूबर में लेह लद्दाख इज़ गोइंग टू बी मच टफर, वो मैंने वैसे ही प्लान किया था कि मैं अक्टूबर में जाऊँगा। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी दिखा रहा है। अगर देखूँगा कि अगला 7 दिन का वहाँ पे क्या वेदर है, वो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। जो लेह मनाली हाईवे है तो वो BRO से आफ्टर अक्टूबर 15 ऑफिशियली बंद होने का डेट भी रहता है। सो आई एम नॉट श्योर कि कौन सा डेट में बंद होगा, एंड आई होप कि ये ट्रिप मेरा सही जाए, जो मंजिल की ओर मतलब जो रोड से जाने वाला हूँ वो रोड खुला मिल जाए। सेम थिंग गाइज, कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो फेसबुक या इंस्टा में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि सारा अपडेट्स मैं वहाँ पे पहले दे देता हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ। चलो अभी दिखाते हैं मैंने अपना पैकिंग कैसे किया है, और पैकिंग के साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हर एक ब्लॉगर, जो हम लोग जितना भी ब्लॉगर्स होते हैं, हम लोग के पास एक चीज़ बहुत ही कीमती रहता है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो है लैपटॉप। सो लैपटॉप को मैंने कैसे प्रोटेक्शन दिया है और इसको कैसे मैं प्रोटेक्ट करके लेके जा रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग बेसिकली कोई हार्ड लगेज ले लेता है, कोई बैकपैक अच्छा ले लेता है, मतलब 3-4 हज़ार 5 हज़ार वाला हार्ड केस लैपटॉप बैकपैक ले लेता है, ठीक है, मगर मैं उतना इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। अपना मोबाइल और GoPro से मैं काम चलाता हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगता है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लैपटॉप मैंने कैसे अपना बैग में प्रोटेक्शन के हिसाब से लिया है। तो ये है मेरा नॉर्मल लैपटॉप बैग, एकदम वो 1500 वाला 1200 वाला जो लैपटॉप बैग आता है, वही नॉर्मल बैग जो सबके पास होता है, वो भी मेरे पास ही है। एंड ये अगर डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा ना तो प्रोटेक्शन उतना कुछ खास नहीं होगा, अगर कहीं से भी टच लग जाए तो लैपटॉप में कुछ भी हो सकता है। सो इस बार मैं कुछ रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट वाला जो सिक्किम वाला ब्लॉग था, सिक्किम वाला ब्लॉग में मेरा जितना भी डेटा था सारा चला गया था, आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो उन लोगों को पता है। तो एनीवेज इस बार वैसा गलती नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा प्रोटेक्शन रखेंगे, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल रखेंगे जिसके साथ डेटा बैकअप भी होता रहेगा। तो 200 रुपये में आपका आएगा ये 2 पिलो, एयर पिलो बोलता है। अगर आप ये एयर पिलो खरीदना चाहते हो अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट में, 200 या 250 रुपये में 2 पीस मिल जाएगा, या 3 पीस 4 पीस भी मिल जाता है बहुत सारे लोगों को। तो अगर लैपटॉप बैग के अंदर में इसको डाल दिया जाएगा, हल्का हवा, मतलब फुल नहीं हल्का, जस्ट लाइक दैट, ये देखो, मतलब एक गया अंदर में, उसके बाद लैपटॉप स्लिप जो है उसके बाद लैपटॉप चला गया, और अगर इसको मैं बंद भी कर देता हूँ, मतलब जो लैपटॉप चेंबर है इसको मैं अगर बंद भी कर देता हूँ, सो इजीली ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कितना ज़्यादा खुला हुआ है, एंड अंदर में भी बहुत सारा जगह है, वहाँ पे मैं अपना हार्ड डिस्क, अपना जो पावर बैंक है, चार्जर है, केबल है, जितना भी है वो सब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस है। सो मुझे एक्स्ट्रा कोई बैग भी नहीं कैरी करना पड़ रहा है, और GoPro का केस वेस जितना भी होता है, माइक वाइक बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ होता है, वो सब मैं यहाँ पे कैरी कर सकता हूँ इजीली। बहुत सारे लोग अपना अपना तरकीब अपना अपना तरीके से निकालता है, तो मेरा ये सोच था, मेरा ये तरकीब था कि हाँ, इसको लैपटॉप को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप को तो काम हो गया ख़त्म, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपना सामान क्या क्या लिया। बेसिकली पैंट शर्ट ये सब तो लेता ही है, मगर सिंपल थिंग के ज़्यादा चीज़ मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंपिंग नहीं करता हूँ, तो कैंपिंग जो लोग करता है वो लोग टेंट वगैरह, स्लीपिंग मैट्रेस बहुत सारा कुछ लेता है, मगर मैं वैसा कुछ नहीं ले रहा हूँ, टी शर्ट शर्ट जो नॉर्मल लेता है वैसा ले रहा हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा रहा हूँ क्या क्या मैं कैरी कर रहा हूँ। सो सबसे पहले जो आता है राइडिंग गियर्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे पास रायनॉक्स का पैंट है,
जो कि मेरा नहीं है, देवाशीष भाई ने मेरे को दिया है। सो ये चीज़ सच है कि मेरे पास राइडिंग पैंट्स नहीं है, देवाशीष भाई ने मेरे को दिया है फॉर दिस ट्रिप ओनली, क्योंकि इसके साथ लाइनर भी रहता है। वो लाइनर यहाँ पे नहीं है, वो अभी सूख रहा है धूप में। इसके अंदर में प्रोटेक्शन भी रहता है। नॉर्मली क्या होता है राइडिंग पैंट्स में प्रोटेक्शन रहता है, तो ये अच्छा होता है, मेरे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन गियर्स लेना नहीं पड़ेगा। अब हो गया राइडिंग जैकेट, ये तो सब लोगों के पास होता है, तो राइडिंग जैकेट इज ऑल ओके। इसको मैं धोया भी नहीं, देखो गंदा हालत कितना है। राइडिंग जैकेट भी हो गया, अंदर में राइडिंग स्लिप्स हो गया, मतलब ड्राई फिट स्लिप्स हो गया। राइडिंग जो लोग यूज़ नहीं करते तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ अंदर में कॉटन का शर्ट टी शर्ट नहीं पहन के ड्राई फिट पहनो, तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है और सॉलिड फिट रहता है। नॉर्मल हाईवे का ग्लव्स जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आता हूँ मैं अपना हेलमेट पे। तो हेलमेट के साथ मुझे कैरी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा दो ग्लास। एक ग्लास जो है ये है आपका वो सन प्रोटेक्शन वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है टैन प्रोटेक्शन सन प्रोटेक्शन ऐसा वाला, और एक प्लेन ग्लास है, ये ग्लास भी मैं कैरी कर रहा हूँ। सो दोनों ग्लास मुझे कैरी करना पड़ेगा इनकेस अगर ये स्क्रैचेस हो जाता है, अगर दिखने में प्रॉब्लम होता है, देन आई विल यूज दिस टू। ये है मेरा मेन बैग। मतलब आप सोच लो कि मैं कितना सामान कैरी कर रहा हूँ। मैं बोला था ना मैं कोई एक्स्ट्रा सामान मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोगों को पता लग गया कि हाँ ये 50 लीटर्स का बैग या 65 लीटर का बैग है, गार्जियन गियर का है। ये मैं लास्ट वाइजैक ट्रिप में भी यूज़ किया था। सो आई एम सेम थिंग, मैं यही बैग को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड आप लोग समझ लो कि इतना बैग में लद्दाख का पूरा सामान आ गया। सो इसमें से अभी निकालूंगा क्या क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट जो पैकिंग का हिस्सा होता है वो मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। मैं जो तरीके से करता हूँ, मैं जिस तरीके से मैं अपना पैकिंग करता हूँ, ये नॉर्मल जो पैंट है अगर इसको हम फोल्ड करके लेंगे, ऐसे फोल्ड करके लेंगे ना, तो इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। इसमें क्या होता है थोड़ा जगह ज़्यादा लगता है, तो मैं ना इसको क्या करता हूँ, हमेशा कोई भी जो शर्ट टी शर्ट होता है अपना, तो कोई शादी में जाने वाले हैं नहीं भैया, रोल करके लेना पड़ेगा इसको हर एक चीज़ को। ऐसे अगर रोल करके लेते हैं ना तो जगह कम लगता है। चार पैंट्स मैं कैरी कर रहा हूँ। हाँ मैं जीन्स कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीन्स क्या होता है टाइट होता है तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं वो कार्गो पैंट होता है या तो वो सिक्स पॉकेट वाला पैंट होता है या तो ट्रेकिंग पैंट होता है वो मैं कैरी कर रहा हूँ। एक सिंपल सा वो टोपी इनकेस ठंडा लगे, एक फुल मास्क, तीन टी शर्ट, टावल मैं ले सकता था मगर टावल क्या होता है अगर भीग जाता है तो वो जल्दी सूखता नहीं है, तो इसीलिए सॉक्स आपको तीन पेयर नया सॉक्स लेना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ क्यों, क्योंकि जो नया सॉक्स होता है ना उसका जो कॉटन रहता है, उसका जो रुआ रहता है वो निकलता नहीं है जल्दी से, तो इनकेस अगर कोई भी जगह पे आपको ज़्यादा ठंड लगे ना तो वहाँ पे आप नया सॉक्स को यूज़ कीजिए, ठंडा थोड़ा कम लगेगा। एक के जगह दो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये टावल सॉक्स है जॉकी वाला, वन हैंड टावल, ये भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब पसीना पसीना हो जाता है तो इसको यूज़ करना पड़ता है। फोर अंडर गारमेंट्स, ये अंदर का बात है ये नहीं दिखाऊंगा। सो ये है मेरा जैकेट, विंटर जैकेट, काम चल जाएगा इससे। विंटर लाइनर यहाँ से मैं पहन के नहीं जाऊँगा, जैकेट के अंदर मतलब राइडिंग जैकेट के अंदर में जो विंटर लाइनर होता है ये है वो, जहाँ पे ठंडा लगे मतलब आफ्टर मनाली या आफ्टर जम्मू के बाद कहीं से भी जाऊँ तो वहाँ पे मेरे को पहनना पड़ेगा। अब आता हूँ थर्मल लाइनर के बारे में। ये एक मफलर भी मैंने कैरी कर लिया हूँ, ये काफ़ी मोटा है, मतलब इन केस अगर ना ज़्यादा ठंडा लगे तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कोई भी पार्ट के लिए। चलो ये हो गया कॉटन विंटर लाइनर, ये पैंट होता है तो पैंट मैं कैरी कर रहा हूँ विंटर लाइनर वाला, वन बॉडी स्पे सर में बांधने के लिए, मतलब ये क्या होता है ना वो मेरा जैकेट के साथ रहता है तो मैंने इसको अलग से ले लिया है, किस कहीं जगह पे ज़्यादा ठंडा लगे सर पे या तो मतलब कान पे इसको मैं डाल दूंगा अंदर। विंटर लाइनर जो है अंदर में पहनते हैं, ये मैंने ना दो लिया है, एक तो था इसके साथ सेट, ये था इसका वाला सेट था, और एक एक्स्ट्रा था मेरे पास वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि ठंडा जो है माइनस पाँच से दस के आसपास कुछ कुछ पासेस में है, जैसे कि बालालाचला में अभी से दिख रहा है कि बालालाचला ऑलमोस्ट माइनस टेन माइनस नाइन ऐसा कुछ जा रहा है, और तांगलांगला भी सेम है वही माइनस एट माइनस ट्वेल्व
टेंशन वही है कि हाँ मेन थिंग ले मनाली हाईवे पे मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मैं ले रहा हूँ। राइडिंग पैंट के अंदर में भी थर्मल लाइनर होता है, मगर फिर भी मैं इसको लिया हूँ फॉर एक्स्ट्रा, ज़्यादा ठंड ना लगे इसीलिए। विंटर ग्लव्स बीबी जी का है, बीबी जी का ये विंटर ग्लव्स का प्राइस ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास कुछ आता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है और विंटर में काफ़ी अच्छा काम देता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वूलन ग्लव्स, कहीं पे भी लग सकता है, तो इसको भी मैं छोड़ा नहीं है। एक प्लास्टिक मैं कैरी कर रहा हूँ ऐसे, सो इन केस अगर बारिश वारिश हो जाए तो सामान के अंदर, मतलब ये जो बैग है इसके बैग के ऊपर मैं डाल दूँगा, उसके ऊपर रेन कवर भी रहता है, उससे भी काम चल जाएगा। मैं लास्ट वाला वीडियो में मैं बताया था एक एक्सीलेटर केबल, एक क्लच केबल, ये एक्स्ट्रा लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही कुछ रेंजेस हैं अंदर में, डाल रेंज है, ये सब रेंजेस वगैरह मैं कैरी करता हूँ। बड़ा ट्रिप में मैं कोई भी लॉन्ग ट्रिप में जब जाता हूँ तो ये सब छोटा मोटा चीज़ मुझे कैरी करना पड़ता है, इनकेस कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जाए तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प मी आउट। तो मैंने अपना जो पैकिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा दिया कि मेरा पैकिंग मैं कैसे कैसे क्या क्या सामान ले रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका भाई कोई एक्स्ट्रा सामान कैरी कर रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो घर पे हूँ, घर पे मैं अपना जो शू है वो ला नहीं सकता। शू जो है वो मैं ओराजो का कैरी कर रहा हूँ, वो प्रोटेक्टिव भी है आप लोगों को पता है और वाटर प्रूफ भी है, तो इन केस ऑफ वाटर क्रॉसिंग एंड ऑल उसमें प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं देगा। एक्स्ट्रा शू कैरी करने का जगह है नहीं मेरे पास, तो एक्स्ट्रा शू मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक स्लीपर मैं कैरी करूँगा, जब लास्ट में पैकिंग सब हो जाएगा ख़त्म तो डाल दूंगा अंदर उसके अंदर। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया था एक्स्ट्रा इंजन ऑयल मुझे कैरी करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 3,500 किलोमीटर तक जाता है अच्छे से, मगर मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मुझे चलाना है ऑलमोस्ट 6,000+ किलोमीटर। सो 6,000 किलोमीटर का जर्नी रहेगा ये एपिसोड में। जी हाँ, 6,000 किलोमीटर। जो लोग लेह लद्दाख सीरीज़ के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता है, अगर जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। उसे कोलकाता से लद्दाख एंड लद्दाख से कोलकाता राउंड ट्रिप का ऑलमोस्ट 6,000+ किलोमीटर्स का जर्नी होता है, तो उसमें एक इंजन ऑयल से काम नहीं चलता, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा इंजन ऑयल कैरी कर रहा हूँ। टू थिंग मस्ट टू कैरी, एक है ये स्क्रू ड्राइवर ऐसा वाला, हाँ स्क्रू ड्राइवर मस्ट टू कैरी, और एक होता है कि ये बहुत काम का चीज़ होता है जिन लोगों को काम पे लगा है उन लोगों को पता है ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ होता है। तो इसके साथ मुझे और भी कुछ 2-4 चीज़ लेना पड़ेगा, जो है मेडिसिन। तो मेडिसिन मेरे पास नहीं है, वो अर्पण के पास, मतलब अर्पण मेरे साथ जा रहा है तो अर्पण उसको कैरी कर रहा है, जितना भी मेडिसिन है वो अर्पण कैरी कर रहा है। और छोटा छोटा चीज़ और भी ज़्यादा प्लास्टिक्स भी लेना पड़ेगा, इनकेस कहीं पे ज़्यादा बारिश वारिश आ जाए तो वहाँ पे लगेज को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, रेनकोट अभी तक मैंने बैग में डाला नहीं है, वो भी मैं लूँगा। रेनकोट इज़ मैंडेटरी फॉर एनी माउंटेन ट्रिप, पहाड़ पे मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं, पहले से थोड़ा एडवांस सोचना पड़ता है कि भाई हम लोग इतना ज़्यादा किलोमीटर चलाएंगे तो हम लोग कैसे इसको मैनेज करें। और बाइक का सर्विसिंग का काम बहुत सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे भी अगर फंस जाएंगे तो ट्रिप कैंसिल होने का चांसेस रहता है। आई होप मेरा आने वाला सीरीज़ में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा। कुछ ही दिन बाद मेरा वीडियो आ जाएगा आपके पास, वेट कीजिएगा। वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, सीधा मिलते हैं अगला वाला वीडियो पे, यहाँ पे नहीं, कुछ दिन बाद मिल जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा इंतज़ार बस।